जी सागर जी लिखते हैं, गुरु जी ऋषिकेश आइए और अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ब्रह्मचार्य पालन करने को बोलो। ये मैं नहीं बोलूंगा यार, वैसे ही हिंदुओं ने दुर्गति कर ली, एक एक बच्चा, दो 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 से भी एक एक बच्चे पे आ गए हिंदू, और ब्रह्मचार्य करवा के उनकी वाट लगवा दो। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मचार्य से होगा, खुले बच्चे पैदा करने दो और खुली मस्ती करने दो। और मैं आपको ये कैमरे पे नहीं बोल सकता, हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो खूब मस्ती वस्ती करने वाले होते हैं, इधर उधर घुमाओ फिराओ जो भी कुछ है, थोड़े में ज़्यादा समझो, हम तो उनको खूब खुला सपोर्ट करते हैं। जो हमारे पास में होता है कभी उनकी मुट्ठी में रख देते हैं, 500 हज़ार 2 हज़ार की ले भाई व्यवस्था करा अपने कमरे कुमरे, क्योंकि अपने साथ नहीं होंगी तो वो कहीं और जाएंगी, ये कड़वा सच है। अब मुझे नहीं पता मेरी ये बात सुन के कितने लोग यहाँ पे भिदक जाएंगे, कई लोग चिड़ भी जाएंगे, लेकिन एक कटु सत्य है। कैमरे पे मैं सोच रहा था ना बोलूँ, लेकिन ये कमेंट देख के मुझे लगता है आज बोल दूँ पहली बार। हम ऐसे लोगों को खूब सपोर्ट करते हैं, खूब। जो नीचे का नब्बे मैं बोलता हूँ उनमें एक ये पार्ट है जो मैं कभी कैमरे पे नहीं बोल सकता, ये नीचे के नब्बे का पार्ट है, आप मुझसे मत बोलो। जो ग्राउंड पे इस तरह के लोग होते हैं ना जमीन पे, क्योंकि एक्चुअली में जब कभी पंगा होता है, दंगा होता है, वही लोग फील्ड पे दिखते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं आते लड़ने के लिए, इंजीनियर्स वकील नहीं आते, जब सामने से उनकी फौज उनके लोग करते हैं, और इधर से रिप्लाई देने वाले जो होते हैं जिनको आम भाषा में मवाली कहा जाता है, जिनको आम भाषा में कहता है कि शाम को पौवा टिका के बैठा है और चौक पे पत्ते खिल रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। वही लोग हिंदुओं की तरफ से लड़ते हैं और उनके अंदर में जो भी ऐब होते हैं उन ऐबों को रहना चाहिए, और हम उनके ऐबों को स्पॉन्सर करते हैं जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी होगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है जो समाज में, शायद सभ्य समाज में कैमरे पे बोलने के लिए नहीं होती। मैंने आज तक नहीं बोला इतने वर्षों, आज दिल से कुछ बातें निकल रही हैं, आप थोड़े कहे को ज़्यादा समझ लीजिए। हम देते हैं उन लड़कों को, स्पॉन्सर करते हैं कि ले भाई 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये रख, वो यो रूम है, ये है वो है, जो भी करना है तुम्हें ठीक है, पर तुम नहीं करोगे वो वहाँ सुअरों में मुंह मारेंगी भाई, एक कड़वी सच्चाई है, तो अपने बंदे क्यों नहीं। एनीवेज तो ये मैं आपके ब्रह्मचर्य वाले से तो मैं पर्सनली मैं सहमत नहीं था मेरे भाई, जिसका भी वो कमेंट था।